हाँ जी भाई, तो फाइनली कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी दोनों के लिए परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है और मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को चेक किया है। डेफिनेटली यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो जाने वाली है, तो जाइए अभी बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 15 टेस्ट सीरीज डीबी की और 15 टेस्ट सीरीज जीडी दोनों का जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको 15 टेस्ट सीरीज का कॉस्ट 279 रुपीज देना है, लेकिन वहाँ पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में आपको 15 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट सीरीज बाय करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा इसको देखेंगे, और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए कैन डू अ पाइस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू द सेम पाइस ऑफ वर्क इन 30 डेज, फाइंड द इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द वर्क। कर ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन दिया 16 डेज, दूसरा दिया 14 डेज एंड तीसरा दिया 10 डेज एंड डी दिया है 12 डेज। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चाहे तो सॉल्व करके इसका कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। पहले देखिए एक उसका काम कितने दिन कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20, और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30। ठीक है, तो दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30। तो यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 20 × 60 30 × 60 ये 60 हो जाएगा, यानी 5/60। ठीक है, 5/60, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 5/60 यानी 1/12। तो ये कितने दिन में काम करेंगे, ए प्लस बी का कितने दिन में कार्य करेंगे, 12 दिन में कार्य करेंगे। इसको क्या किया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, जो नीचे उसी को बस लिख दिया जाता है, यानी 12 दिन में ए प्लस बी मिलकर काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पाइस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 40 डेज। ठीक है, किसी काम को ए 20 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। इफ़ दे वर्क ऑन इफ टुगेदर फॉर 5 डेज, यदि वे साथ में 5 दिनों तक कार्य करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डेट इज लेफ्ट इज, तो जो काम बचा हुआ है वो कितना भाग बचा हुआ है, यही आपको बताना है। ठीक है, अगर ए और बी किसी काम को 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो कितना काम बचा रह गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। देखिए 20 और 40 का लॉसर कितना हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ए 5/8 एंड बी 8/15 एंड सी 7/15 एंड डी 1/10। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए और बी का एलसीएम 40 होगा ना, ए और बी का एलसीएम ये 40 लिख लो, ये 20 लिख लो, तो 20 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ये 40 हो जाएगा, 40 में कितना से, 1 से। ठीक है, अब देखो ए का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट पर डे, यानी 2 यूनिट पर डे ए काम करता है, 1 यूनिट पर डे क्या करता है, बी काम करता है। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2+1 यानी 3 यूनिट पर डे दोनों का काम है, 3 यूनिट पर डे ए प्लस बी का यूनिट का काम है। ठीक है, ये रहा आपका। अब बताइए जब दोनों साथ में काम करते हैं तो उनका कितना यूनिट का काम होगा, देखिए 5 दिनों तक ये दोनों साथ में काम करते हैं, और 3 यूनिट पर डे इन लोगों का, ये दोनों का एक साथ काम करने का वो है तरीका है इन लोगों का, कि 3 यूनिट एक दिन में करते हैं दोनों जब मिलकर साथ काम करते हैं, तो 5 दिन जब ये साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, ये करेंगे 15 यूनिट पर डे, यानी 3×5 15 यूनिट फॉर 5 डेज। ठीक है, 15 यूनिट फॉर 5 डेज ए प्लस बी का जब साथ काम करते हैं। ठीक है, अब बताइए ए
ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट पर डे, और बी कितना करता है, 1 यूनिट पर डे करता है। अब टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम एलसीएम कितना आया था इसका, ये आपका 40 था, ये 20 था, ये दो, ये जो ये 40 होता है ना, ये टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 40 है। अब ए प्लस बी वो कितने 5 यूनिट का, 5 दिनों में कितना यूनिट काम कर रहा है, 15 यूनिट काम कर रहा है। तो कितना काम बच गया, 40 माइनस 15, ये कितना बचा हुआ आपका, 25, यानी 25 यूनिट काम बच गया, कितने में से, 40 में से। इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा सबसे देखिएगा आप लोग, 25 यूनिट बच गया और 40 यूनिट में से बचा है, तो ये आपका जो बचा हुआ काम है वो ये है, ठीक है। 5 × 25, 5 × 40, यानी 5/8 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक बार और समझाने का आपको कोशिश करता हूँ। 20 और 40 का एलसीएम क्या होता है, पहले 20 और 40 का एलसीएम लिख लो, ये क्या होता है, 40, 20 × 40, 20 × 20, ठीक है, 40 × 40, ठीक है। ये रहा आपका ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है। ए 2 यूनिट पर डे काम करता है, और वन यानी बी 1 यूनिट पर डे काम करता है। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो देखिए ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1, यानी 3 यूनिट पर डे। ए प्लस बी एक साथ 3 यूनिट पर डे काम करते हैं, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक। अब बताओ 5 दिनों तक साथ काम करते हैं, यानी 3 यूनिट पर डे 5 दिनों तक कैसे चलता है, तो ए प्लस बी का 5 दिनों तक का कार्य कितना हो जाएगा, 15 यूनिट, यानी 5 दिनों में 15 यूनिट काम खत्म कर दिए, कितने में से, टोटल वर्क कितना है आपका, 40 है, 40 यूनिट में से 15 यूनिट खत्म कर दिए, तो कितना यूनिट बच गया, 40 में से 15 जाए तो 25 बच गया। अब बताओ कितना काम बच गया, उसका फ्रैक्शन लिखना है, तो 25 में से 25 यूनिट बचा है, कितने में से, 40 में से, तो क्या कर देंगे, 25/40 कर देंगे और इसको काट देंगे, तो 5/8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वाले क्लास में दिया था, तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, कुछ लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दिए थे, तो वो ये सब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, ए एंड बी कैन डू अ पाइस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज, ए एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू। बस थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन, इसी तरह का और क्वेश्चन है अभी आएगा, पर इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें ए का अकेले का काम पूछ लिया है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और हाँ ए और सी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। देखिए ए और बी उस काम को कितने दिनों करते हैं, 10 दिन में, ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन में, बी और सी कितने दिनों में, 12 दिन में, बी प्लस सी, और सी ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में, ये क्या था, ए प्लस सी था, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, सबसे पहले निकालो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले इसका तीनों का एलसीएम निकालो, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 12, 15 का एलसीएम आपका 60 आएगा, ठीक है। तो 10 × 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों का एक साथ, ए प्लस बी प्लस काम है बी प्लस सी और काम है ए प्लस सी का, तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो ए तो ये क्या हो जाएगा, 2 ए + b + c बराबर कितने दिन का, 15 यूनिट पर डे, ठीक है, 15 यूनिट पर डे, ओके 15 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से कितना जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आपका आ जाएगा 15/2 यूनिट पर डे, 15/2 यूनिट पर डे इन लोगों का क्या हो गया, डेली का काम हो गया, समझ में आया। देखिए कहाँ से मैंने किया, जैसे 10, 12 और 15 था, अब इसका क्या करो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना आया, 60 आया, 10 × 60, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, और ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस ये हैं, जब तीनों जोड़ेंगे तो 2 ए है 2 बी है 2 सी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 15 यूनिट पर डे इन लोगों का, जब तीनों लोग एक साथ काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से कितना जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 15/2 यूनिट पर डे हो जाएगा। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 15/2, और बी प्लस सी का एक दिन का कितना काम है, ये कितना हुआ, देखिए भाई ध्यान से इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बी प्लस सी का कितना एक दिन का काम है, 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे बी प्लस सी का एक दिन का काम है, और ए प्लस बी प्लस सी का बराबर कितना एक दिन का काम कितना है, 15/2 यूनिट्स पर डे। तो क्या पूछा, ए का अकेले का काम बताओ, तो ए प्लस बी प्लस सी में बी प्लस सी का मान रख दो, तो ए का मान निकल जाएगा, देखो कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था,
15/2 यूनिट्स पर डे थे। बी प्लस सी का एक दिन का कितना काम था 5, तो ए प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 15/2। अब से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बराबर हो जाएगा आपका 15/2 माइनस 5, ये हो जाएगा 5/2, ए बराबर क्या हो गया 5/2, ठीक है। तो 5/2 यूनिट्स पर डे ए का काम हो गया, ठीक है, ये एक दिन का काम हुआ, ए का एक दिन का काम हुआ। तो पूछा ए उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, यानी टोटल कितना दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना था 60, अरे एलसीएम 60 ही नहीं आया था, जो 60 होता है वही टोटल वर्क होता है, जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, यहाँ से ए का काम निकालने के लिए कर देंगे 60/5/2, यानी 60/5/2 ये टोटल दिनों में काम करेगा। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे 60 × 2/5 बराबर ए, ये हो जाएगा 12 × 12 = 24, ये क्या हो जाएगा 24 दिनों में क्या काम क्या कर देगा, समाप्त करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन था आपके लिए पिछले वाले वीडियो में, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ऑफ पाइस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, सी और ए उस काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन रहा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कैसे करना है। देखिए 20 क्या कौन सा काम करता है, ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में, सी प्लस ए, तीनों कैल्शियम निकाल लो, तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 20 × 3 = 60, 10 × 6 = 60, अब 12 × 5 = 60, ठीक है। अब बताओ ये आपका हो गया एक 3 यूनिट पर डे ए प्लस बी का, बी प्लस सी का 6 यूनिट पर डे एंड सी प्लस ए का 5 यूनिट पर डे। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो तो एक दिन का काम निकल जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 रहेगा, क्योंकि ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए है, सबको जोड़ोगे तो 2a 2b 2c आएगा, ठीक है। तो ये 14 यूनिट्स पर डे, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया 7 यूनिट पर डे, एक दिन का काम कितना हो गया 7 यूनिट पर डे, ठीक है। अब बताओ 7 यूनिट पर डे एक दिन का काम हो गया, अब यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 यूनिट, ठीक है, 60 यूनिट पर डे। जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो क्या करेंगे, ये 7 है, सॉरी ये 7 है, 60 नहीं ये 7 है, ये 7 यूनिट पर डे, ठीक है, 60 यूनिट पर डे, यानी 7 यूनिट करेंगे, टोटल काम कितना 60 यूनिट काम है, कितने दिनों में समाप्त करेंगे 60/60 क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, जो टोटल वर्क इसको डिवाइड कर देंगे कितने दिन के पर डे वाले काम से, जब इसको डिवाइड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट काम, पूरा काम कितने दिन समाप्त करेंगे, उसको डिवाइड करने पे 60/60 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा आपका 8/4/60 दिन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक और तरीके से इसको लगाना तो आप एक और तरीके से इसको लगा सकते हैं, वो भी बताए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए एक बटे जो 60 है ना, देखिए ये आपका ए प्लस बी का कितना था 20 दिन था, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20, फिर बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10, फिर सी प्लस एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12। अब तीनों जोड़ लेंगे जब आप लोग, तो आएगा 60/7, तो ए प्लस बी प्लस सी सॉरी 14/7 आएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस कामा सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना हो गया, ये आपका 14/7 तीनों का एक दिन का काम हुआ। अब क्या करो, जब यहाँ जोड़ोगे आप लोग तो 2a + b + c बराबर कितना आ जाएगा 14/7, ये एक दिन का काम आ जाएगा, तो 2 से 2 से 2 = 14 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया 7/7। अब उनका पूरे दिन काम करने का तरीका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 60/7 बाई द कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था जब यन हो तो ये 1/n हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/7/16, यहाँ से देखो 1/7/16 हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा 16/77 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8/4/7 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए कैन डू अ पाइस ऑफ वर्क इन 4 डेज बट बी कैन डू इट इन 12 डेज, ठीक है। ए किसी काम को 4 दिनों में, बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, इन हाउ मेनी डे विल बी दे फिनिश द वर्क विथ वर्किंग टूगेदर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन था, क्या करना है इसको आप लोग तुरंत इसका आंसर दीजिए, बस 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। ए 4 डेज, बी 6 डेज एंड सी 2 डेज एंड डी 3 डेज, ये आपके पास 4 ऑप्शन है,
ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ये 1/4, एक दिन का काम ए का कितना हो जाएगा 1/4, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12, यानी कितना हो जाएगा 1/ LCM कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 4/12, यानी 1/3, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया 1/3, टोटल काम कितना हो जाएगा ए प्लस बी का 3 दिन, ठीक है। ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहें तो टाइम एंड वर्क का इसके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 दिनों में इस काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए कैन डू अ पाइस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, हाउ मच वर्क लेफ्ट, ठीक है। ए किसी काम को 25 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में, दोनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो उसका उस काम का कितना शेष रह गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया था, डायरेक्ट बता दिया था कैसे करना है। तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करता हूँ, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि सर इतना आया, लेकिन मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। मैं एक क्वेश्चन आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लड़के ने उस क्वेश्चन को भेजा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको भी भेज दिखाऊंगा, आप लोग उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप लोग। ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में, ठीक है, 25 और 30 दिनों में, तो 25 लिख लो यहाँ, 30 लिख लो, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही करना, कुछ लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा। तो 25 × 150, 30 × 5 = 150। ए का एक दिन का काम कितना हुआ 6 यूनिट पर डे, बी का एक दिन का काम कितना हुआ 5 यूनिट पर डे। तो दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 11 यूनिट पर डे। और जब एक दिन काम करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं ना, 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो इनका 5 दिनों का कितना यूनिट काम हो गया 55 यूनिट पर डे। ये आपका टोटल वर्क होता है जो एलसीएम होता है, टोटल वर्क में से 55 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। तो 150 में से 55 घटा दो, कितना हो गया आपका 95 यूनिट बच गया। अब 95 यूनिट कितना में से 150 यूनिट का क्या कर दो, फ्रैक्शन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 95/150, यानी ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 30, 19/30 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बस करना है आपको, डायरेक्ट करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इसे करना है आपको, और आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ओके। देखिए यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ओके। देखिएगा क्या दिया है, कोई व्यक्ति अपनी चाल को 4/5 से चलकर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन फ्री फायर गेमिंग, इस लड़के किसी का नाम है, नाम तो नहीं है ये, किसी कोई लड़का होगा अपना, इसने भेजा है कि कोई व्यक्ति अपनी चाल को 4/5 से चलकर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ये आपका ऑप्शन है 98 मिनट, बी 76 मिनट, सी 56 मिनट एंड डी 80 मिनट, ठीक है। तो ये आप इसका ऑप्शन है, आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा, मैंने इसको इसका रिप्लाई दे दिया है सॉल्व करके, लेकिन आप चाहें तो आप लोग भी सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर इसका कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। और आप लोग भी चाहें तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको भी क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इस स्टूडेंट ने पूछा है तो मैंने इसका आंसर दिया है, इसको रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को